हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं महत्तम समापवर्तक के बारे में। क्या होता है महत्तम समापवर्तक, इस वीडियो में उसके बारे में विस्तार से जानेंगे। तो आप यदि आप किसी भी कम्पिटेटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो हमारे इस यूट्यूब चैनल को अड्डा 24 को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें। तो सबसे पहले हम देखते हैं या ये महत्तम समापवर्तक क्या होता है उसके विषय में आज जानते हैं। तो आइए देखिए, महत्तम समापवर्तक का मतलब होता है कि यदि कोई, मान लीजिए दो संख्याएं दी गई हैं, दो या दो से अधिक संख्याओं के लिए भी महत्तम समापवर्तक होता है, लेकिन मान लीजिए कोई दो संख्याएं दी गई हैं, जैसे मान लीजिए 35 एक संख्या है और एक 42 है, ये दो संख्याएं दी गई हैं। तो सबसे पहले महत्तम समापवर्तक निकालने के लिए इन संख्या का गुणनखंड करते हैं। क्या करते हैं? गुणनखंड। तो इसका करेंगे तो 5 × 7 = 35, 5 × 7 आया, 35 का गुणनखंड 5 × 7 = 35 आया। और अब करेंगे 42 का फैक्टर यानी गुणनखंड, तो देखेंगे इस ये आएगा 2 × 3 × 7 अर्थात इसका गुणनखंड 35 का 5 × 7 और 42 का गुणनखंड करेंगे तो 2 × 3 × 7 2 × 3 = 6, 6 × 7 = 42। तो इसका दोनों का गुणनखंड हो गया। अब मास ज्ञात करते समय इनमें देखेंगे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, अर्थात इन दोनों संख्याओं के गुणनखंडों में कौन सी ऐसी संख्या है जो सबसे बड़ी है और कॉमन भी है। तो देख लेते हैं, यहाँ 7 एक ऐसी संख्या है जो सबसे बड़ी है और कॉमन भी है, अर्थात तो इसका मास हो जाएगा यानी HCF बराबर हो जाएगा 7। तो इससे यह निकल करके आया किन्हीं दो या दो से अधिक संख्याओं का मास एक ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या है जो उन संख्याओं में भाग देने पर, जिससे हम भाग देते हैं उस संख्याओं को पूरी तरह से विभक्त कर दे। अर्थात देखिए, यहाँ अगर 7 से हम अलग से 35 में भाग देते हैं, 35 में 7 से अगर भाग देते हैं तो 7 × 5 = 35 यानी 35 को पूरी तरह से 7 काट दे रहा है। और अगर 42 में भी भाग देते हैं, 42 में अगर 7 से भाग दे देते हैं तो यह भी 7 × 42, अर्थात यह एक ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या मास होती है। जिन संख्याओं का हम मास निकालते हैं उन संख्याओं को पूरी तरह से यह काट देती है अगर हम अलग अलग इनसे डिवाइड करते हैं। तो इससे स्पष्ट है कि मास एक ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या है जो उन संख्याओं को पूरी तरह से विभक्त कर दे, ऐसी संख्या मास कहलाती है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों यह वीडियो आपको पसंद आया होगा और मास से संबंधित सवाल जिनमें मास निकालना होगा ऐसे सवाल आपको समझ में आते होंगे और अच्छे से आएंगे। तो इसके लिए वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।